दोस्तों दुबई में कोई भी ट्रैफिक वायोलेशन के बाद बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर सेट किए हुए मोर देन थाउजेंड्स ऐसे कैमरा जो बेस्ड हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, जो काम करते हैं जीपीएस सैटेलाइट के साथ, जो काम करते हैं रडार के साथ, जो काम करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी और इंफ्रा रेड जैसी वेब्स के साथ। यानी कि अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड होती है, रेड सिग्नल को तोड़ दें या फिर कोई भी लेफ्ट और राइट रॉन्ग टर्न लेते हैं, उस केस में आपकी तुरंत फोटो खींच जाती है और आपको फाइन दिया जाता है। आइए हम कैमरास के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दुबई के कैमरा के बारे में जानने से पहले कैमरा में यूज होने वाली कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको कैमरा की स्पेशलिटी ठीक से समझ में आ सके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जी दुबई के कैमरास कनेक्टेड होते हैं जीपीएस के साथ, यानी जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और सारे ही जीपीएस काम करते हैं आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के साथ, यानी आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक वेब्स होती है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है एक वेब्स होती है, जो हमें हर जगह देखने को मिलती है, इसको कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, और ये जीपीएस के साथ ये काम करती है, और सारे ही जीपीएस कनेक्टेड होते हैं सैटेलाइट के साथ, और सैटेलाइट जो होती है वो नज़र रखती है पूरी दुनिया के ऊपर, यानी एक सैटेलाइट नहीं 24 सैटेलाइट्स मिलकर पूरी दुनिया के हर कोने पर हर चप्पे चप्पे पर इसके ऊपर नज़र रखती हैं। और इसकी अगली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, वो है दोस्तों राडार सर्विस, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्विस। और राडार के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, हाइट का और स्पीड का सही तरीके से पता लगाया सकता है। वैसे तो राडार को यूज़ करते हैं मौसम की जानकारी के लिए, लेकिन हम यहाँ मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दुबई के कैमरे में राडार का क्या रोल है। दरअसल राडार के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। तो राडार के ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स को छोड़ा जाता है, और ये रेडियो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाती हैं, इससे उसकी स्पीड का सही तरीके से पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? राडार की रेडियो वेव्स, राडार के ट्रांसमीटर से छोड़ी गई रेडियो वेव्स जितनी देर में गई और कितनी देर में वापस आई, तो जाने के टाइम में से आने के टाइम को माइनस करके उसकी स्पीड का सही तरीके से पता लगाया सकता है। वैसे इसमें जो टाइम फ्रेम होता है ना, यानी जो काम करता है ना, ये माइक्रोसेकंड टाइम फ्रेम बेस के ऊपर काम करता है, यानी एक सेकंड के अंदर 1000 मिलीसेकंड होता है, और 1 मिलीसेकंड के अंदर 1000 माइक्रोसेकंड होता है, और 1 माइक्रोसेकंड के अंदर 1000 नैनोसेकंड होता है। सीधे सीधे समझाता चलूं कि 1 सेकंड के अंदर 1,000,000 माइक्रोसेकंड होते हैं, और एक जो 19.75 माइक्रोसेकंड को 1 मील की यहाँ पर दूरी को नापा जाता है, और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो इतने छोटे बेस के ऊपर, इतने बारीक बेस के ऊपर ये काम करता है, इसी वजह से इसके टाइम फ्रेम में या फिर इसकी डिस्टेंसी जो है पूरी तरीके से एक्यूरेट होती है, और इसमें कोई भी फर्क नहीं आ पाता है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर यूज़ होती है इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी, यानी इंफ्रा रेड एक हवाओं में फैली हुई एक ऐसी वेब्स है जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम अंधेरे या उजाले, रात या दिन, किसी भी टाइम हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रात में भी देख सकते हैं। तो राडार के अंदर यूज़ की जाती है इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी, और इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर रात में अंधेरे में किसी भी गाड़ी के अंदर कौन सा ड्राइवर बैठा हुआ, क्या गाड़ी की नंबर प्लेट है, तुरंत उसको फ्लैश हो जाता है जैसे ही कोई भी आदमी वहाँ पर कोई भी वायोलेशन करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब दुबई के 10 ऐसे कैमरास के बारे में जो दरअसल अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये टोटली कैच करता है गाड़ी की नॉइज़ को, यानी कि गाड़ी के अंदर कितनी आवाज़ आ रही है, उसका कितना साउंड है, और जो वहाँ पर साउंड वायोलेशन है उससे अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको फाइन वहाँ पर दे दिया जाता है। अगला जो कैमरा दोस्तों आप देख रहे हैं, ये काम करता है रेड लाइट वायोलेशन के ऊपर, यानी अगर आपने कोई भी रेड लाइट को जंप किया उस केस में ये कैमरा आपको तुरंत फ्लैश कर देगा। ये जरूरी नहीं कि कैमरा आपको सीधा ऐसा ही दिखाई दे, हो सकता है किसी बड़े पोल के अंदर इसको फिट किया हो, आप इसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कैमरे की आई आपको देख लेगी। अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है स्टैंडर्ड स्पीडिंग कैमरा, यानी कि जैसे ही आपने ओवर स्पीड की फ्लैश हो जाता है आपको तुरंत फाइन ही मिल जाता है। कुछ रोड पर वहां पर दुबई गवर्नमेंट ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा वफर सिस्टम रखा हुआ है, यानी कि अगर रोड 100 का है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं 120 तक आपको वहां पर कोई कैमरा नहीं, लेकिन जैसे ही आप 121 करते हैं तुरंत फ्लैश होता है और आपको वहां पर फाइन भी पड़ जाता है। और अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है एडवांस स्पीडिंग कैमरा, यानी इस कैमरे के सामने आप कोई भी मस्ती नहीं कर सकते। ये स्पीडिंग यानी ओवर स्पीडिंग के साथ साथ अगर आपने रेड लाइट को जंप किया, अगर आपकी ड्राइविंग एक रैकलेस ड्राइविंग है, अगर आप गाड़ी को किसी भी तरीके से कोई भी वायोलेशन रोड के ऊपर करते हैं, ये कैमरा पकड़ लेता है। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी की अगर साउंड भी ज़्यादा है ना, उस केस में भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेस कैमरा आपको कैच कर लेगा।
ये एक लाइन को नहीं बल्कि मल्टीपल लाइंस को एक ही साथ कवर करने वाला, दूर तक फोकस करने वाला ये कैमरा है। और अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है दुबई पुलिस वेट राडार, यानी इस पोर्टेबल राडार के साथ दुबई पुलिस लैस रहती है और जहां इनका दिल करता वहां पर इसको सेट कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों दरअसल लोगों को या ड्राइवरों को ये रोड पर चलते चलते ये पता लग जाता है कि इस जगह पर कैमरा है, उसी के सामने स्पीड कम करके आगे फिर बढ़ा देते हैं। लेकिन दुबई पुलिस ने जगह जगह ये पोर्टेबल राडार को सेट करने के बाद लोगों को एक तरीके से कंफ्यूज कर दिया कि कहां पर कैमरा और कहां पर बचना चाहिए, कहां पर स्पीड स्लो करना चाहिए। तो इस बेस पे लगभग हर ड्राइवर वहां पर अंडर रोड स्पीड के हिसाब से ही चलाता है और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं करते हैं। अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है द स्मार्ट कंट्रोलर, यानी इस स्मार्ट कंट्रोल के साथ साथ दुबई पुलिस वहाँ पर ट्रैफिक के ऊपर नज़र रखती है, उनको फाइन भी देती है और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई अनाउंसमेंट है ना किसी भी, यानी लगभग ड्राइवरों को या रोड के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट है तो इस स्मार्ट कंट्रोलर के साथ दुबई पुलिस वहाँ पर कर सकती है। अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है द अर्मोर प्लेटेड स्पीडिंग कैमरा, यानी इसके सामने भी आप ओवर स्पीड नहीं कर सकते। अगर आप ओवर स्पीड करते हो आपको फ्लैश होता है, आपका फोटो खींचता है, आपको तुरंत फाइन भी मिल जाता है। और अगले कैमरे की दोस्तों बात करें, वो है द सुपरवाइजर, यानी इस कैमरे का नाम ही सुपरवाइजर रख दिया, देख रेख करता है, रोड की स्पीड को मॉनिटर करता है, गाड़ियों को मॉनिटर करता है और ये लगभग गाड़ियों की हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और कोई भी इसमें वायोलेशन जैसी कोई भी चीज़ अगर नज़र आती है तो तुरंत ये अलार्म करता है, तुरंत ये यानी अपने एक सिस्टम को एक अलार्म देता है, जो सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं उन लोगों तक अलार्म पहुंचाता है और उसको फिर निगरानी की जाती है कि ड्राइवर ने क्या वायोलेशन किया, उसको उसी हिसाब से फाइन भी दिया जाता है। अगले कैमरे की दोस्तों बात कर रहे हैं, वो है द टेंपरेरी कैमराज, यानी दुबई पुलिस अपने साथ कुछ टेंपरेरी कैमराज को हमेशा रखती है और जहां पर इनको लगता है कि यहां पर ड्राइवर वायोलेशन करके चुपचाप खिसक लेते हैं, उस जगह पर ही टेंपरेरी कैमराज को सेट कर लिया जाता है। ये डजेंट मैटर कि पब्लिक के सामने उसको सेट करते हैं या फिर किसी पेड़ के पीछे भी उसको कर सकते हैं या फिर कुछ सामने बैरिकेड या कुछ भी वेरिएशन लगा सकते हैं इसके सामने, ताकि लोगों को ये दिखाई ना दे लोग गलती करें। यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती लोग गलती करें, बल्कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सीधे हो जाएं और अंडर स्पीड के ही साथ चलें, ओवर स्पीड ना करें। तो इसीलिए दुबई जो है पुलिस अपने साथ टेंपरेरी कैमराज को रखती है, वायोलेशन जहां इनको लगता है अपने हिसाब से उसको सेट करके खड़े हो जाते हैं और फाइन जैसा ही सारे कैमराज के साथ मिलता है वैसा इस कैमरे के साथ भी आपको फाइन देखने को मिलता है। और अगला सबसे खतरनाक दुबई पुलिस के पास जो कैमरा वो है हैंड होल्ड लेजर स्पीड गन, यानी अगर दुबई पुलिस के सामने भी किसी ने ओवर स्पीड कर दी या कोई भी वायोलेशन किया, कोई भी रैकलेस ड्राइविंग अगर कर दी आपने, उस केस में उनके पास ऑलरेडी एक लेजर गन है जिसको स्पीड के साथ ये चला देते हैं। लेजर बोले तो इसकी लाइट की स्पीड है भाई, आप इससे नहीं बच सकते। डजेंट मैटर आँख की स्पीड जहाँ तक देख सकती है उसी तरह ये लेजर गन भी आपको देख सकती है और आपको फाइन भी मिल जाता है। यही वजह है दोस्तों वहां पर कोई भी ड्राइवर वायोलेशन करने के बाद बच नहीं पाता। जरूरी नहीं वहां पर दुबई पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में हो, वो वहां पर सिविल ड्रेस में भी हो सकती हैं, सीआईडी भी वहां पर हो सकती है या फिर दुबई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी छोटा बड़ा अधिकारी, अगर उसके सामने कोई वायोलेशन करता है ड्राइवर, वो भी उसका नंबर नोट कर लेता है और आपको फाइन दे दिया जाता है। तो ये तो था दोस्तों दुबई कैमराज की सारी थ्योरी, उसकी टेक्निकल डिटेल और इसके बारे में सारी ही जानकारी। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है आप उनसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में हैं या फिर दुबई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।